मॉर्निंग स्टूडेंट, हमारा चैप्टर 8 है स्ट्रॉन्ग सुबह चल रहा है इंग्लिश में। तो अपने बाबू चैप्टर 8 स्ट्रॉन्ग सुब, आज मैं आपको हाफ चैप्टर जो रह गया था वो रीड करवाऊंगी और इसके टिक द राइट करवाऊंगी। अपने बाबू सबने बुक ओपन करी, चैप्टर 8 है हमारा स्ट्रॉन्ग सुब, हाफ मैंने आपको रीड करवा दिया था, वर्ड मीनिंग करवा दिए थे। जैसे इसके वर्ड मीनिंग है इनॉर्मस, बहुत बड़ा, स्क्वायर, चौराहा, डिप डुबोना, ड्रॉप छोड़ना, केयर रख किसी का मतलब ध्यान रखना, शेयर बांटना, डिलीशियस, टेस्टी, पॉट बर्तन, ठीक है, फायर आग, ये सारे वर्ड्स मीनिंग मैंने करवाए थे। कुछ वेजिटेबल्स के नेम भी थे इसमें, मैंने वो भी आपको करवाया। इसका हार्ड वर्ड है इनॉर्मस, वेरी बिग इन साइज यूज, इनॉर्मस मीन्स होता है वेरी बिग इन साइज, साइज में बहुत बड़ा होना, यूज विशाल मतलब बड़ा सा, जो आकार में बड़ा होता है। डिलीशियस टेस्टी फूड, स्वादिष्ट जो खाना होता है उसको हम लोग डिलीशियस बोलते हैं। ये इसमें टू ही हार्ड वर्ड्स थे कि वो मैंने करवा दिए, वर्ड मीनिंग हो चुके हैं, हाफ चैप्टर रीड हो चुका है। आज हम इसका जो हाफ चैप्टर है वो रीड करेंगे। हाफ चैप्टर में मैंने आपको बताया था कि कैसे एक टायर्ड एंड हंग्री जो सोल्जर है वो जाता है, उसका जो खाना पानी जो था उसके साथ वो फिनिश हो जाता है। वो डिस्टेंस पे एक प्लेस देखता है, उस प्लेस में जाके वो वहाँ पे एक लेडी से फूड एंड वाटर मांगता है। तो लेडी उसको कहती है सिर्फ मैं आपको वाटर दे सकती हूँ, फूड नहीं दे सकती, क्योंकि हमारी कंट्री में ग्रेट वार हुआ था, एक युद्ध हुआ था, उस चक्कर में जो युद्ध में जब हुआ था तो जो सैनिक थे जो अदर कंट्री के, उन्होंने हमारे यहाँ से हमारे फील्ड में से अनाज ले लिया, ग्रेन ले लिए, जो ट्री पे जो फ्रूट्स थे वो ले गए, और उन्होंने हमारे लिए कुछ भी नहीं छोड़ा, हम लोग सारे विलेजर्स जो है वो भूख गए हैं। ये सुनने के बाद जो सोल्जर हंग्री और टायर्ड जो सोल्जर आता है उस प्लेस में, वो उनके लिए एक स्टोन सूप बनाता है। एक मतलब ग्राउंड में से एक स्टोन लेता है स्मूथ एंड पर ग्राउंड, एक स्टोन लेके वो उसका सूप बनाता है। अब विलेजर्स बहुत ज़्यादा सरप्राइज होते हैं कि स्पून सूप तो हमने कभी सुना नहीं है, अब वो किस तरह उनके लिए सूप बना रहा है, उस सूप में वो क्या क्या ऐड कर रहा है, कैसे जो विलेजर्स हैं उसकी हेल्प कर रहे हैं, वो हम आगे चैप्टर में रीड करेंगे। मैंने आपको हाफ चैप्टर रीड करवाया था कि इसको यहाँ तक हो चुका है हमारा स्टोन सूप वाला, यहाँ तक मैंने आपको रीड करवा दिया है स्टोन सूप। दे सैड व्हाट इज दैट यू शैल सी सैड द सोल्जर, यहाँ तक मैंने आपको रीड करवा दिया था। जब प्लेजर्स उसके पूछते हैं स्टोन सूप ये क्या होता है भाई, वो सब पूछते, उन्होंने कहा कि स्टोन सूप, दे सैड उन्होंने कहा व्हाट इज दैट, वह क्या है, यू शैल सी तुम देखोगे, सैड द सोल्जर, उस सोल्जर ने कहा कि आप सिर्फ देखो मैं क्या बना रहा हूँ। तो अब वो किस तरह बना रहा है, क्या क्या यूज़ में ले रहा है, विलेजर उसकी किस तरह हेल्प कर रहे हैं, लास्ट में वो उनको क्या मैसेज दे रहा है, वो हम इस चैप्टर में रीड करेंगे। तो प्लीज़ ओपन योर बुक, सबको बुक ओपन कर लीजिए। इनॉर्मस वेरी बिग इन साइज यूज विशाल डिलीशियस टेस्टी फूड पॉट बर्तन शेयर बांटना में बांटना किया ध्यान रखना स्क्वायर चौराया एंटिटी खाली, बहुत सारे वर्ड मीनिंग मैंने आपको करवाए थे, वो लर्न भी करने हैं। आज मैं इसका जो क्वेश्चन है टिक द राइट आंसर वो भी मैं आपको करवाऊंगी, टिक द क्वेश्चन ए एंड क्वेश्चन बी इसके जो है वो भी मैं आपको करवा दूंगी। तो प्लीज़ अपने आप बुक एंड रीड विथ मी, सबने बुक ओपन करी, मैं स्टार्ट करवा रही हूँ चैप्टर हमारा, अपने बुक ओपन कर ली, मैं स्टार्ट कर रही हूँ चैप्टर, बुक ओपन हो चुकी है आपकी, मैं आपको चैप्टर स्टार्ट करवा रही हूँ कि किस तरह हंग्री एंड टायर जो सोल्जर था विलेज में आता है, किस तरह वो विलेजर्स के लिए उनके वहाँ जब वॉर होता है, एक ग्रेट वॉर जब होता है उसमें क्या होता है, सोल्जर सारा सामान लेके चले जाते हैं, फिर वो किस तरह उनके लिए सूप बनाता है, स्टोन सूप पत्थर का सूप बनाता है, सब लोग सरप्राइज होते हैं और उसको देखते हैं कि वो क्या कर रहा है और उसकी हेल्प भी करते। तो आज हम आगे वाला रीड करेंगे, जब वो कहता है कि मैं स्टोन सूप बना रहा हूँ और विलेजर्स उसको पूछते हैं स्टोन सूप व्हाट इज दैट, वह क्या है, यू शैल सी सैड द सोल्जर, सोल्जर उनको कहता है तुम देखो मैं क्या बना रहा हूँ। अब देखो यहाँ से रीड करवा रही हूँ मैम, ए यूज फायर वॉज लिट इन द ब्लेज स्क्वायर, ब्लेज के चौराहे पर, स्क्वायर मतलब चौराहा जो होता है वहाँ पर एक बड़ी सी फायर वो जला देता है, एंड इनॉर्मस पॉट फुल ऑफ वाटर वॉज पुट ऑन द फायर,
और एक बड़ा सा पॉट, मतलब बर्तन, पॉट में जो एक बड़ा सा बर्तन वो पानी से भर के उस फायर आग के ऊपर रख देखा है। देखो ये रखा हुआ है, ये पैर पे आग लगाता है, एक बड़ा सा पॉट उसमें रख देता है पानी भर के। द सोल्जर वॉश द स्टोन को वॉश करता है। ही देन वेंट अप टू द पॉट और फिर वो उसको लेके पॉट के पास जाता है एंड ड्रॉप द स्टोन इनटू द इट और उसको पानी में छोड़ देता है। व्हेन द वाटर बिगेन टू बॉयल, जब पानी उबलना शुरू होता है, ही डिप ए स्पून इनटू द वाटर, वो एक स्पून उसमें डालता है और उसका पानी लेता है। ही डिप द ए स्पून इनटू द वाटर, वो पानी में एक स्पून डालता है। ही टुक आउट सम ऑफ द सूप और फिर वो उसमें से कुछ सूप लेता है। मतलब हम लोग किसी चीज़ को टेस्ट करने के लिए क्या करते हैं, अगर हम कोई चीज़ बना रहे हैं तो हम उसमें क्या करते हैं, स्पून डाल के थोड़ा उसको टेस्ट करते हैं कि कैसा है, नमक कम है या तीखापन कम है, तो सूप को उसमें से, ही टुक आउट सम ऑफ सूप, वो उसमें से कुछ सूप लेता है। ब्लू ऑन इट एंड सिप इट, वो उसको फूक मार के ठंडा करता है और सिप करता है उसको, मतलब पीता है। गुड ही सेड, वो कहता है अच्छा है। मे आई प्लीज़ हैव सम सॉल्ट, क्या मुझे कुछ सॉल्ट मिल सकता है, जो उसके पास ब्लेजर्स खड़े हुए थे उनको बोलता है क्या मेरे को, वो टेस्ट करता है उसको, सिर्फ उसमें क्या था, पत्थर डाल देता है, वो स्टोन डाल देता है और पानी, और उसको बॉयल होने देता है, और फिर क्या हुआ, स्पून डाल के उसको टेस्ट करता है कि क्या है। अब पानी तो फीका ही लगेगा, पानी बॉयल हो रहा है तो उसमें नमक थोड़ा ना होगा, तो वो क्या बोलते हैं, गुड अच्छा तो है लेकिन इसमें क्या मुझे कुछ नमक मिल सकता है। क्विकली जल्दी से ए मैन गॉट हिम सम सॉल्ट, एक आदमी कुछ सॉल्ट लेकर आता है, नमक लेकर आता है। ही एडेड इट टू द सूप, वो उसको सूप में ऐड करता है। ही टेस्टेड अगेन, वो वापस उसको टेस्ट करता है दोबारा। मे आई हैव सम कैरट प्लीज़, क्या मुझे कुछ कैरट मिल सकती है। ए वुमेन रन होम, एक औरत घर दौड़ती है। गॉट सम कैरट एंड दीज टू वर पुट इन टू द पॉट, एक लेडी घर जाती है, कैरेट लेकर आती है, उसको दूध के काट के उस सूप में डाल देती है, पॉट में डाल देती है। द शोल्जर टेस्टेड द सूप, शोल्जर वापस टेस्ट करता है सूप को। इट गेट बेटर, ये अच्छा है। ही सैड, वे कहता है मे आई हैव सम ऑनियन एंड पटेटो प्लीज़, क्या मुझे कुछ पटेटो और ऑनियन मिल सकते हैं, ऑनियन प्याज पटेटो आलू। वन मैन रन टू गेट सम ऑनियन, एक आदमी दौड़ता है प्याज लेने के लिए, ऑनियन लेने के लिए। एंड अदर रन ऑफ होम फॉर सम पटेटो, और दूसरा अपने घर जाता है आलू लेने के लिए, पटेटो लेने। दो आदमी होते हैं, एक अपने घर जाता है ऑनियन लेकर आता है, एक दूसरा पटेटो लेकर आता है। सम वुमेन कट अप द वेजिटेबल्स एंड पुट देम इन टू द सूप, कुछ औरतें उनको कट करके उस सूप में डालती है। द शोल्जर कैप टेस्टिंग द सूप, जो शोल्जर होता है वो उस सूप को टेस्ट करता रहता है। एंड कीप एडिंग ए टर्निप, और फिर उसमें टर्निप, शलजम, सम टमेटो, कुछ टमाटर, एक कॉलीफ्लावर, एक फूल गोभी, सम बीन्स, कुछ फलियाँ, एंड इवन सम बिट्स ऑफ चिकन, और कुछ चिकन के टुकड़े उसमें डाल देते हैं। द विलेजर्स हेल्प हिम एज ही कैप द पॉट बॉयलिंग, और सारे विलेजर्स उसकी हेल्प करते हैं, और जो पॉट होता है वो, और वो उसको पॉट को बॉयलिंग करता रहता है, मतलब उबालता रहता है उसमें जो सूप है। आफ्टर वाइल, कुछ समय पश्चात, द शोल्जर सेड, शोल्जर कहता है आवर स्टोन सूप इज़ रेडी, हमारा स्टोन सूप रेडी हो चुका है। गेट आउट योर बाउल्स एंड कप्स, जाओ और अपने कप और बाउल लेकर आओ। ईच मैन वुमेन एंड चाइल्ड ऑफ द विलेजर वॉक अप टू द इनॉर्मस पॉट, हर औरत आदमी और बच्चे, जो गांव के जो भी बच्चे होते हैं, आदमी होते हैं, औरतें होती हैं, वो अपने घर जाती हैं और जितना बड़ा बर्तन उनको मिलता है वो उतना बड़ा बर्तन सूप के लिए लेकर आती हैं। द शोल्जर यूज ए लैडल टू पुट सूप, दो शोल्जर होता है एक लैडल, लैडल मतलब होता है चमचा, जिससे हम लोग सब्जी वगैरह डालते हैं ना, सूप वगैरह, उसको कहते हैं बड़ा सा, एक तो स्पून होती है चम्मच, एक चमचा होता है जिससे हम लोग वेजिटेबल वगैरह जो बनाते हैं वो सर्व करते हैं। तो शोल्जर एक लैडल का यूज़ करके सूप डालते हैं। एंड वेजिटेबल्स इनटू द ईच बाउल कप और सूप प्लेट, जैसे जो आदमी जैसे सूप बाउल लेकर आता है तो उसको बाउल में और कप है तो कप में, या सूप प्लेट होती है तो उसमें वो सूप और वेजिटेबल्स और सूप डालता है। देयर वाज साइलेंस
वहाँ पे बहुत शांति थी। द ओनली साउंड वर द स्लीपिंग ऑफ द सूप बाय द पीपल। केवल अब गांव में अब क्या हो गई थी, शांति हो गई थी, सबको सूप मिल गया था, सब लोग शांति से बैठ के क्या कर रहे थे, सूप को पी रहे थे। किसी चीज़ की आवाज़ नहीं आ रही थी, सिर्फ एक सूप के पीने की आवाज़ आ रही थी। देन ए लिटिल गर्ल सैड, फिर एक छोटी लड़की बोलती है, दिस स्टोन सूप इज रियली डिलीशियस, ये जो स्टोन सूप है वो बहुत ज़्यादा टेस्टी है। सर टीच माई मदर, मेरी मम्मा को सिखाओ हाउ टू मेक इट प्लीज़, क्या आप मेरी मम्मा को इस सूप को बनाना सिखाएंगे कि आपने कैसे सूप बनाया है। वो लड़की कहती है आपका सूप बहुत टेस्टी है, आप मेरी मम्मा को भी बनाना सिखाओ कि आपने इसको कैसे मेक किया बनाया। द सोल्जर लुक एट हर, लड़का जो सोल्जर होता है सैनिक वो उसकी तरफ देखता है एंड सेड, और कहता है ईच फैमिली इन द विलेज, गांव की हर फैमिली ने एडेड समथिंग टू द पॉट, पॉट में कुछ ना कुछ ऐड किया है टू मेक द सूप टेस्टी। ईच फैमिली इन द विलेज एडेड समथिंग टू द पॉट टू मेक द सूप टेस्टी, सूप को टेस्टी बनाने के लिए गांव की हर फैमिली ने इस सूप में कुछ ना कुछ ऐड किया है। रिमेंबर, याद रखो, शेयरिंग एंड कैरी विल कीप यू हैप्पी, तुम्हें याद रखना चाहिए कि हिमिल बांट के खाना और एक दूसरे का ध्यान रखना ही हमें क्या बना सकता है, खुश बना देगा। डोंट सिट, बैठो मत, एंड फील सॉरी, और मतलब दुख मत महसूस करो अबाउट व्हाट द वॉर हैज़ डन, वॉर ने तुम्हारे साथ क्या किया है, मतलब जो वॉर हुआ है उसने तुम्हारे साथ क्या किया है, उस चीज़ को बैठ के तुम लोग दुखी मत हो। गेट अप, उठो, गो टू योर फील्ड, अपने खेतों में जाओ, वर्क टुगेदर, साथ साथ काम करो, एंड इन्जॉय व्हाट द अर्थ गिव यू, और जो आप पृथ्वी ने तुम्हें जो चीज़ें दी हैं, पृथ्वी ने जो तुम्हें दिया है उसको तुम इन्जॉय करो। मतलब सोल्जर कहता है कि तुम ये कह रहे थे कि हमारे घर में कुछ भी नहीं है, हम भूखे हैं, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, तो तुम सब ने मिल बांट के देखो सूप बनाया, सब ने उस सूप में कुछ ना कुछ ऐड किया है, तुमने एक दूसरे की मदद करी है, तो हमें क्या करना है, एक दूसरे की मदद करनी है, एक दूसरे का ध्यान रखना है, एक दूसरे की चीज़ों को शेयर करना है, बैठना नहीं है, हमारे साथ जो हुआ है उसको भूलना है, और हमें उठ के अपने खेतों में काम करना है, और जो पृथ्वी ने हमें कुछ दिया है उसको इन्जॉय करना है, उसका आनंद लेना है। तो ये चैप्टर हमने रीड किया, अब इसका क्वेश्चन है, व्हाट द क्वेश्चन गिवन बिलो, डोंट यूज मोर देन 3 वर्ड्स इन योर आंसर। आपको जैसे 2 or 3 वर्ड्स का ही यूज करना है इसमें आंसर में। विच 2 एग्जेक्टिव इन द फर्स्ट सेंटेंस डिस्क्राइब द सोल्जर, इस सेंटेंस में जो इस चैप्टर का जो फर्स्ट सेंटेंस है उसमें 2 वर्ड हैं जो इसको डिस्क्राइब कर रहे हैं सोल्जर को, तो कौन सा है, टायर्ड, TIRED, टायर्ड, एंड हंग्री, HUNGRY, हंग्री, HUNGRY, हंग्री। फोर हाउ मैनी डेज हैड द सोल्जर बीन वॉकिंग, जो सोल्जर था वो कितने डेज से वॉकिंग कर रहा था, 3 डेज। व्हाट डिड ही सी इन द डिस्टेंस, उसमें क्या देखा, डिस्टेंस पे उसने क्या देखा, स्मॉल विलेज। व्हाट डिड ही वांट फ्रॉम द फर्स्ट लेडी ही मीट, फर्स्ट लेडी जिससे वो मिला था उससे उसने क्या मांगा, फूड एंड वाटर। व्हाट डिड सी से, शी कुड गिव हिम, उसने क्या कहा कि वो उसको क्या दे सकती है, वाटर। ठीक है, ये क्वेश्चन आंसर आपको नोटबुक में राइट करना है। अब हमारा सेकंड है, टिक द राइट आंसर, देखो टिक द बेस्ट आंसर, आपको बेस्ट आंसर को टिक करना है। व्हाट हैड हैपन इन दैट कंट्री, उस कंट्री में क्या हुआ था, देयर हैड बीन ए ग्रेट वॉर इन द कंट्री, कंट्री में एक बहुत बड़ा युद्ध हुआ था। व्हाट डिड द सोल्जर वांट टू कुक फॉर द पीपल, जो सोल्जर था वो पीपल्स के लिए क्या कुक करना चाहता था, सम सूप, सम फूड, सम स्टोन सूप, क्या आएगा, सम स्टोन सूप। व्हाई डिड ही ब्लो ऑन द सूप बिफोर टेस्टिंग इट, जब वो सूप को टेस्ट कर रहा था तो उसके ऊपर ब्लो हवा क्यों दे रहा था, हम गरम गरम चीज़ नहीं खाते ना, क्या करते हैं फिर, उसको हवा देते, मतलब उसको ठंडा करते हैं,
ताकि हमारी टंग नहीं जले। तो इट वॉज वेरी हॉट, वो बहुत गर्म था। ही डिडंट वॉन्ट टू बर्न हिज टंग, वो अपनी टंग को जलाना नहीं चाहता था। ही वॉन्टेड टू नो इफ इट टेस्टेड नाइस, वो ये जानना चाहता था कि इसका जो टेस्ट है सूप का वो नाइस है। तो क्या होगा, ही डिड नॉट वॉन्ट टू बर्न हिज टंग, वो अपनी टंग को बर्न नहीं करना चाहता था। हाउ मैनी थिंग्स डिड द शोल्जर एड टू द सूप, सूप में शोल्जर ने कितनी चीज़ें ऐड करी थी, 7, 8, 9। हाउ मैनी थिंग्स, 9 things उसने ऐड कर दी। तो ये चैप्टर है, देखो इसके टिक द राइट, मैंने फर्स्ट में बी, सेकंड में सी, थर्ड में बी, फोर्थ में सी आएगा। आपको इसको वर्क करना है। ये क्वेश्चन आंसर मैंने आपको करवा दिए, ये भी आपको करने हैं, ठीक है। जब नेक्स्ट क्लास होगी हमारी तब हम लोग इसके क्वेश्चन नंबर सी वाला जो पोर्शन है क्वेश्चन आंसर वो हम करेंगे, ठीक है। थैंक यू।